हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। मेरा नाम है समर्थ और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज में पार्ट 8 की, जो कि रहेगा 22 फेब से लेके 28 फेब तक। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक के सारे करंट अफेयर्स इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने देखा कि हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा पर करंट अफेयर्स के टोटल 7 पार्ट डिस्कस हो गए हैं, जो कि हमारे टीम मेंबर अमित द्वारा प्रेजेंट किए गए थे। अभी आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स की सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अमित आपके लिए स्टैटिक जीके की सीरीज़ लाने वाले हैं, तो वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे थंबनेल में कि हमारे यूट्यूब पेज, टेलीग्राम पेज और कोरा स्पेसेस की लिंक हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम पेजेस और कोरा स्पेसेस से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द सिंगल्स टाइटल इन 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। जिन्होंने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता, उनका नाम क्या है? तो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, मनिका बत्रा, रितिका चोपड़ा, पहाड़ी बिलास और गीता साब्रवाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मनिका बत्रा। हम बाकी ऑप्शंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। रितिका चोपड़ा, रितिका चोपड़ा वॉन द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड 2020। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? रितिका चोपड़ा। पहाड़ी बिलास वॉन द टाइटल ऑफ सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 ऑर्गेनाइज बाय खो खो फाउंडेशन इंडिया। खो खो फाउंडेशन इंडिया के द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? पहाड़ी बिलास। गीता साब्रवाल, गीता साब्रवाल अपॉइंटेड एज द रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन थाईलैंड। थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में कौन नियुक्त की गई है? गीता साब्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीता साब्रवाल। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कंट्री डेवलप्ड अ न्यू बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड कॉल्ड एरो फोर विद द यूनाइटेड स्टेट। किस देश ने अमेरिका के साथ एरो फोर नामक एक नई बैलिस्टिक मिसाइल ढाल विकसित की? रशिया, इजराइल, पाकिस्तान, चाइना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इजराइल। बाकी ऑप्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीक में इन कंट्रीज में क्या क्या हुआ है। रशिया, द फर्स्ट केस ऑफ एवियन फ्लू H5N8 स्ट्रेन केम आउट। एवियन फ्लू 5H8 स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है रशिया में। पाकिस्तान, रजिस्टर्ड हिमालयन पिंक सॉल्ट एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत किया हिमालयी गुलाबी नमक किस देश ने? पाकिस्तान ने। तो आप इसको याद रखिएगा। चाइना स्टार्टेड इट्स ट्रेडिशनल लैंटर्न फेस्टिवल। अपने पारंपरिक लालटेन त्यौहार की शुरुआत किस देश ने की? चाइना ने। तो स्पेशली आप पाकिस्तान और चाइना में हुए त्यौहार और जो भी यहाँ पर GI टैग और जितने भी फैक्ट्स मैं बताऊंगा आगे भी, नेबरिंग कंट्रीज के आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि SSC में नेबर कंट्रीज बहुत ध्यान से पूछा जाता है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस नेबरिंग कंट्रीज पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वॉज वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेटेड। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 27 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 27 फरवरी। बाकी दिनों की बात करते हैं तो 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसकी थीम क्या थी? फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। 24 फरवरी को मनाया गया सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो आप ये तीनों दिन याद रखिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हु बिकेम द यंगेस्ट विमेन टू क्रॉस द इंटरनेशनल ओशियन। अंतर्राष्ट्रीय महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका नाम क्या है? ये 21 साल की है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जैस्मिन हैरिसन, प्रभा वर्मा, डॉक्टर आशा शर्मा और सैमा ल्यूकोंडे। तो इसका करेक्ट आंसर है जैस्मिन हैरिसन। अदर ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। प्रभा वर्मा, प्रभा वर्मा को महाकवि कुंचन नाम्बियार अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो महाकवि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 किसको मिला है? प्रभा वर्मा को।
सेमे ल्युकोंड, ये जो है बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कांगो कंट्री, कांगो देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेमा ल्युकोंड। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रेजेंट अ पेपरलेस बजट इन द असेंबली, कौन सा राज्य विधानसभा में कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो आप में से बहुत स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। बाकी ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि इस सप्ताह में इन राज्यों में क्या-क्या हुआ है। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु स्टेट लॉन्च्ड 1000 मेगावाट नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 1000 मेगावाट की नेवेलिन थर्मल पावर परियोजना शुरू की किस राज्य ने? तमिलनाडु राज्य ने। कर्नाटका, अनाउंस टू सेटअप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर टू सपोर्ट द सेल ऑफ फ्लावर्स, फूलों के थैले का समर्थन करने के लिए ए फ्लोवर प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की किस राज्य ने? कर्नाटक ने। कर्नाटक के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, अनाउंस द होस्टिंग ऑफ द सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ऑफ द ईयर, वर्ष की दूसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी की घोषणा की कर्नाटका राज्य ने। तो कर्नाटका के आप ये दोनों फैक्ट याद कर लीजिएगा। गुजरात की बात करें तो जियो विल एस्टेब्लिश द लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर, जियो कंपनी जो है वो सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर की स्थापना करेगी कहाँ पर? गुजरात में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करते हैं, इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स रखे हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट वन में, अभी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021 अनाउंस किए गए हैं, जिसके सारे विनर्स जो हैं वो वन बाय वन मैं आपके लिए बताते चलूँगा, आप इनको सुनते चलें और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो आप याद कर लीजिएगा। बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी मूवी जो अभी आई थी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कियारा आडवाणी को गिल्टी के लिए, गिल्टी भी एक ये वेब सीरीज है या मूवी है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है लेट सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा मूवी के लिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है तानाजी द अनसंग वॉरियर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट, मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है के मैनन, ये इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखिएगा के मैनन, और पहला और दूसरा पॉइंट जो बेस्ट एक्टर फीमेल और मेल ये दोनों आप याद रखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु को लूडो के लिए मिला है, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल विक्रांत मैसे फॉर छपाक मूवी, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल राधिका मदान फॉर अंग्रेजी मीडियम, बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल कुणाल केमू इन लूट केस, बेस्ट एक्टर वेब सीरीज बॉबी देओल फॉर आश्रम, बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज सुष्मिता सेन फॉर आर्या, बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992, एल्बम ऑफ द ईयर तितलियां, बेस्ट टेलीविजन सीरीज कुंडली भाग्य, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर डब्बू रत्नानी, स्टाइल डीवा ऑफ द ईयर दिव्य खोसला कुमार। तो ये सारे अवार्ड्स थे, ये सारे अवार्ड्स आपको बताना जरूरी था, इसलिए इनको आपको वन लाइनर में लिखकर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता रहा हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखिएगा, कुल मिला के 2 से 3 इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिएगा। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IRS ओम प्रकाश दाधीच, विजय सांपला, BS राजू या गिरीश गौतम? तो इसका करेक्ट आंसर है विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं, IRS ओम प्रकाश दाधीच, अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इन्फॉर्मेशन CBIC, माल और सेवा कर और सूचना महानिदेशक CBIC के रूप में नियुक्त हुए हैं IRS ओम प्रकाश दाधीच। BS राजू, अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया न्यू मिलिट्री ऑपरेशन DGMO, महानिदेशक के रूप में नियुक्त भारत के नए संगठन के DGMO के महानिदेशक जो हैं वो हैं BS राजू। गिरीश गौतम, अपॉइंटेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, मध्य प्रदेश विधानसभा के नए सभापति के रूप में नियुक्त किए गए हैं गिरीश गौतम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच बिकेम द थर्ड लाइसेंस्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है?
ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी कुशीनगर एयरपोर्ट, ऑप्शन डी राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है कुशीनगर एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा वाराणसी में। कुशीनगर हमारा थर्ड इंटरनेशनल लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बन गया है यूपी का। और राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। वेयर इज इंडियाज हाइएस्ट एयर प्यूरिफायर फिल्टर इंस्टॉल्ड? भारत का सर्वोच्च वायु शोधक फिल्टर कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या जयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। तो आप याद रखिएगा इंडिया का हाइएस्ट एयर प्यूरिफायर फिल्टर इंस्टॉल किया गया है। हु रोट द बायोग्राफी मैवरिक मसीहा बेस्ड ऑन एनटी रामा राव? एनटी रामा राव पर आधारित जीवनी मैवरिक मसीहा किसने लिखी है? ऑप्शन ए के राजन, ऑप्शन बी रमेश कांडुला, ऑप्शन सी डॉक्टर कन्हैया सिंह, ऑप्शन डी देवीर सिंह भंडारी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है रमेश कांडुला। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं हमारे अदर ऑप्शंस। एग्रीकल्चर एक्ट 2020 ये बुक लिखी है ए के राजन ने। काली मिट्टी पर पारे की रेखा ये लिखी है डॉक्टर कन्हैया सिंह ने। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे ये लिखी है देवीर सिंह भंडारी ने। आप देख सकते हैं मैवरिक मसीहा जिसके राइटर हैं रमेश कांडुला, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे जिसके राइटर हैं देवीर सिंह भंडारी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाय वॉट ईयर इसरो अनाउंस टू लॉन्च मिशन चंद्रयान 3? इसरो ने किस वर्ष तक मिशन चंद्रयान 3 की शुरू करने की घोषणा की है? 2022, 2023, 2024, 2025? तो इसका करेक्ट आंसर है 2022। 2022 तक इसरो मिशन चंद्रयान 3 की शुरुआत कर देगा। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स 2 की। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 IMI 3.0 टू एक्सपांड इम्यूनाइजेशन कवरेज अक्रॉस द कंट्री। द फोकस ऑफ IMI 3.0 विल बी ऑन चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंट वुमेन हु मिस देयर वैक्सीन डोजेस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया। इस मिशन का फोकस उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर होगा जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वैक्सीन मिस कर दी। तो इस प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन किया जाएगा देश में और सबसे पहले उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टारगेट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द 26th एडिशन ऑफ हुनर हाट इन दिल्ली। द हुनर हाट विल बी हेल्ड फ्रॉम फेबररी 21 टू मार्च 1, 2021 विद द थीम ऑफ फोक वोकल फॉर लोकल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया। हुनर हाट 21 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल की थीम पर आयोजित किया जाएगा। तो हुनर हाट आप याद रखें कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। हु इनॉग्रेटेड द 26th स्किल हॉट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ये हमने अभी डिस्कस किया। नई दिल्ली में आयोजित 26वें कौशल हाट सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, प्रकाश जावड़ेकर। ये सारे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। राजनाथ सिंह इसका करेक्ट आंसर है, अभी हमने डिस्कस किया। बाकी ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर। नितिन गडकरी लॉन्च्ड अ गो इलेक्ट्रिक कैंपेन फॉर अवेयरनेस ऑफ ई मोबिलिटी। ई गतिशीलता के बारे में जागरूकता के लिए एक गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया नितिन गडकरी जी ने। डॉक्टर एस जयशंकर विल को चेयर द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ऑफ 2021। 2021 की एशिया की आर्थिक वार्ता की से अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी ने इनॉग्रेट किया अटल पर्यावरण भवन जो कि कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। तो अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप का इनॉग्रेशन किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम वुमेन ओपन टाइटल 2021? ऑस्ट्रेलिया ई ग्रैंड स्लैम महिला ओपन खिताब 2021 किसने जीता? सोफिया केनिन, नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रैडी या मेयर शेरिफ? तो सोफिया केनिन तो यहाँ पे
पिछले साल की विनर हैं 2020 की, इस साल की जो विनर हैं वो है नाओमी ओसाका। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम मेंस ओपन टाइटल 2021? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड स्लैम पुरुष ओपन खिताब किसने जीता? डोमिनिक थीम, राफेल नडेल, डेनियल मेडवेडेव, नोवेक जोकोविच। तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। हु वॉन द विमेन्स डबल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला युगल खिताब किसने जीता? तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो ये ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का एलिस मार्टन्स एंड अरियाना सेबलेंका। प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो सकती है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। इन विच सिटी ट्रांसजेंडर डेस्क वॉज सेटअप फॉर द कंप्लेंट ऑफ ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर की शिकायत पर किस शहर में ट्रांसजेंडर डेस्क की स्थापना की गई? हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई या भुवनेश्वर? इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। बात करते हैं हमारे अदर ऑप्शंस की। अहमदाबाद। अहमदाबाद में अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ किया गया, विच वॉज इनॉग्रेटेड इनसाइड सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। इस स्टेडियम का नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, लेकिन इसका नाम बदलकर अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। मुंबई। मुंबई में अभी इंडिया फर्स्ट टनल अंडर सी इज बींग एस्टेब्लिश्ड। भारत की पहली सुरंग समुद्र के नीचे स्थापित की जा रही है, किस शहर में? मुंबई में। 17th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्टेड। 17वां भारत इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर में। तो आप इन सारे ऑप्शंस को याद रखिएगा और ये सारे फैक्ट्स आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉज अवॉर्डेड द नेशनल इनोवेशन फार्मर्स अवॉर्ड 2021? राष्ट्रीय नवाचार किसान पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? सुरेंद्र अवाना, ट्रेवर पैनी, अंजलि भारद्वाज, डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता। इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्र अवाना। बाकी ऑप्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेवर पैनी अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ राजस्थान रॉयल्स टीम। तो आईपीएल में जो राजस्थान रॉयल की टीम है उसकी हेड कोच मुख्य कोच अपॉइंट की गई है ट्रेवर अपॉइंट किए गए हैं ट्रेवर पैनी। अंजलि भारद्वाज विल बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक चैंपियन पुरस्कार किसको दिया जाएगा? अंजलि भारद्वाज को। डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जम्मू एम्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जम्मू कश्मीर में जो है उसके पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता। एक्स्ट्रा फैक्ट 3 की बात करें। द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम सर्बानंद सोनोवाल हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन दरंग डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले कौशल विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का जो है वो कहाँ पर उसकी नींव रखी गई है, उसकी फाउंडेशन कहाँ पर रखी गई है? तो असम के दरांग जिले में। होशंगाबाद सिटी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विल बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज अनाउंस्ड दैट यूपीआई ऑटो पे हैज नाउ गोन लाइव ऑन गाना। इट्स इंटीग्रेशन विथ यूपीआई ऑटो पे हैज मेड गाना द फर्स्ट प्लेयर इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू रोल आउट द इनोवेटिव अमेंडेड फीचर ऑन यूपीआई। इसका मतलब ये है कि जो गाना एप्लीकेशन है म्यूजिक सुनने की, उसमें यूपीआई ऑटोपे का फंक्शन इनेबल कर दिया गया है, जो कि सबसे पहला अभी तक का फंक्शन है जो मतलब मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रोल आउट हो रहा है। तो ये आप याद रखिएगा कि NPCI ने यूपीआई का ऑटोपे फंक्शन किस एप्लीकेशन के लिए लाइव कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। तो इसका आंसर रहेगा गाना। तो इसमें आपको चार ऑप्शंस दे सकते हैं, वो हंगामा है, यूट्यूब प्रीमियम है, यूट्यूब म्यूजिक, गाना है। तो इस तरीके से सबसे पहले लॉन्च किया गया है गाना में। क्वेश्चन नंबर 16। हु क्रिएटेड द कंट्रीज फर्स्ट वेब सीरीज एंड ऑडियो वीडियो बुक ऑन पुलवामा मार्टियर्स? पुलवामा
पुलवामा शहीदों पर देश की पहली वेब श्रृंखला ऑडियो वीडियो पुस्तक किसने बनाई? उत्तम लाहिड़ी, विवेक भट्ट, दुष्यंत चौटाला, शरद गोकलानी। इसका करेक्ट आंसर है विवेक भट्ट। बाकी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। उत्तम लाहिड़ी सिलेक्टेड फॉर टाटा इनोवेशन फेलोशिप, टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चयनित किए गए हैं उत्तम लाहिड़ी। दुष्यंत चौटाला अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं दुष्यंत चौटाला। शरद गोकलानी न्यू चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड CTU, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और CTU के नए अध्यक्ष चुने गए हैं शरद गोकलानी। विच डिस्ट्रिक्ट वॉज अवॉर्डेड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर स्टॉपिंग COVID-19? COVID-19 को रोकने के लिए किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? जयपुर, इंदौर, अयोध्या, अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या। विच बैंक वॉन द वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड 2021? किस बैंक ने वर्ल्ड HRD कांग्रेस पुरस्कार 2021 जीता? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूटी बी नारायण सामी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बी नारायण सामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका करेक्ट आंसर है पुडुचेरी। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ द मिशन रेड स्ट्रीक इन ऑल विलेजेस? किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में रेड स्ट्रीक मिशन शुरू करने की घोषणा की? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंजाब। तो आप याद रखिएगा, पंजाब राज्य ने सभी गांवों में रेड स्ट्रीक मिशन शुरू करने की घोषणा की। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 4। कंट्रीज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज नेम्ड एज बिरसा मुंडा। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा है। इंडिया फर्स्ट स्टेथोस्कोप स्टरलाइजर वॉज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? XECH। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये शेक है या जो भी है, XECH, इसको आप इस तरीके से याद रखें। भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टरलाइजर XECH कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है महबूबा मुफ्ती। तो आप याद रखिएगा, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती। इजराइल हैज लॉन्च्ड अ कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम, इजराइल ने कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है। चंडीगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू लॉन्च कार्बन वॉच, अ मोबाइल एप्लीकेशन टू असेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल। चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने किसी व्यक्ति के कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच का लॉन्च किया है। मतलब किसी व्यक्ति के कार्बन पद चिन्ह, मतलब कार्बन फुटप्रिंट को एसेस करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है चंडीगढ़ ने, जिसका नाम है कार्बन वॉच। विच मेडल डिड इंडियन बॉक्सर विन इन द 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट? भारतीय मुक्केबाज विनका ने 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है गोल्ड मेडल। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19th जनवरी 1990? लॉन्चिंग बुक लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 के लेखक कौन है? कबीर बेदी, गुलाब कोठारी, विस्मय मोहनलाल, राजन नकाशी। तो इसका करेक्ट आंसर है राजन नकाशी। कबीर बेदी की जो किताब है वो है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। ये बुक रिसेंटली आने वाली है, इन्होंने इसकी जानकारी दे दी है कि ये बुक इनके ऊपर आ रही है। गुलाब कोठारी की किताब है मानस आर बिहेवियर। विस्मय मोहनलाल की बुक है द ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट। तो आप ये सभी पुस्तकें याद रखिएगा और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनकी कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट विस्मय मोहनलाल की किताब है, मानस आर बिहेवियर ट्रुथ एंड ट्रुथ गुलाब कोठारी जी की किताब है,
स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये है बाय कबीर बेदी। विच कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर माइकल सोमारे डाइड, किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमरे का निधन हुआ? पेपुआ न्यू गिनिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, फिजी। इसका आंसर है पेपुआ न्यू गिनिया। विच मेडल वॉन बाय जीनिया डेगला इन द आर्चरी कॉम्पिटिशन हेल्ड इन बीकानेर? बीकानेर में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में जियोनिया डागला ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन? इसका आंसर है सिल्वर मेडल। तो आप याद रखिएगा, जिनिया डागला ने आर्चरी कंपटीशन जो बीकानेर में हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीता है। विथ हुम SBI टाइड अप फॉर द ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क टू ईज द ट्रांजेक्शन? लेन देन को आसान बनाने के लिए SBI ने ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के लिए किसके साथ करार किया है, मतलब किसके साथ टाई अप किया है? वीजा, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन या मास्टर कार्ड? इसका करेक्ट आंसर है जेपी मॉर्गन। एक्स्ट्रा फैक्ट 5 की बात करते हैं। अ ब्रिटिश विमेन जैस्मिन हैरिसन ऑफ इंग्लैंड हैज बिकम द यंगेस्ट विमेन टू रो सोलो अक्रॉस द एटलांटिक ओशियन। आपको याद होगा ये हम एक क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। तो जैस्मिन हैरिसन ये 21 साल की हैं जो कि सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं जिन्होंने एटलांटिक महासागर में एकल पंक्ति में रो किया, रो सोलो मतलब सबसे पहले अकेले इन्होंने उसको पार किया। उत्तराखंड डिजास्टर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स NTPC टू पे 57.96 लाख फॉर डैमेजिंग एनवायरनमेंट। उत्तराखंड आपदा राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने NTPC को 57.96 लाख रुपए नुकसानदायक पर्यावरण के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया, मतलब उत्तराखंड की जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने NTPC पे फाइन लगाया है 57.96 लाख का, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण को डैमेज किया है। तो ये एक फैक्ट है, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप याद रखें कि ये इतना फाइन लगाया है, करीब करीब 58 लाख रुपए का फाइन लगाया है। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रविशंकर प्रसाद लॉन्च द नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन NUDM। इसका फुल फॉर्म आप याद रखें, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, एट अ वर्चुअल इवेंट टू क्रिएट अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिटीजन इंडिया। तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक आभासी कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम सर्बानंद सोनोवाल ने, ये हम पढ़ चुके हैं ये वाला फैक्ट, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। विच इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड अ पर्सनल सेविंग्स इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड बीमा ज्योति? किस कंपनी ने बीमा नामक अ पर्सनल सेविंग बीमा योजना शुरू की? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, LIC, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस? करेक्ट आंसर है LIC। विच स्टेट स्टार्टेड द स्ट्रेंथ स्कीम टू मेक विमेन सेल्फ रिलायंट? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य ने शक्ति योजना शुरू की? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। बाय वॉट नेम DRDO लॉन्च्ड इंडियाज न्यू रडार सिस्टम? किस नाम से DRDO ने भारत की नई रडार प्रणाली शुरू की? सुपर, उत्तम, तेजस या बेस्ट? तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस, इसका करेक्ट आंसर है उत्तम। विच इंडियन फास्ट बॉलर वॉन द टाइटल ऑफ सेकेंड इंडियन पेसर प्लेइंग 100 टेस्ट मैचेस? किस भारतीय तेज गेंदबाज ने 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय पेसर का खिताब जीता, मतलब वो कौन से दूसरे भारतीय पेसर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेल लिए हैं? अक्षर पटेल, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह? तो अक्षर पटेल तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये स्पिनर हैं, तो इसका सही आंसर है ईशांत शर्मा। विच बैंक लॉन्च्ड नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड? किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, IDBI? इसका करेक्ट आंसर है ICICI बैंक।
एक्स्ट्रा फैक्ट सिक्स की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश लॉन्च द प्लान टू एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रिक सिटी हैविंग एन एरिया ऑफ 700 एकड़्स। उत्तर प्रदेश ने 700 एकड़ के क्षेत्र में एक विद्युत शहर स्थापित करने की योजना शुरू की। एक विद्युत शहर इलेक्ट्रिक सिटी बनाई जा रही है यूपी में, जिसके लिए एरिया निर्धारित किया गया है 700 एकड़। रविचंद्रन अश्विन बिकेम द इंडिया फास्टेस्ट 400 टेस्ट विकेट बॉलर। तो रविचंद्रन अश्विन भारत के सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। दीपिका पादुकोण अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय द लिवाइस कंपनी। लिवाइस कंपनी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। सिलीगुड़ी ढाका ट्रेन सर्विसेज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सिलीगुड़ी जो हमारे भारत में है और ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, सिलीगुड़ी ढाका के बीच में, भारत और बांग्लादेश, सिलीगुड़ी ढाका के बीच एक ट्रेन सेवा आयोजित की गई है जो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि सिलीगुड़ी ढाका ट्रेन सेवा किन दो देशों के बीच में शुरू हुई, तो उसका उत्तर रहेगा भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वू चुंग उम, ऑप्शन बी नगोजी कोन्जो इवेलिया, मसद सगु असाकावा, पॉल डोमिंगेज। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है वू चुंग उम। आपको बताना है कि जो ऑप्शन बी है, ये नाइजीरिया की एक लेडी है, इनको भी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, गोजी कोन्जो इवेलिया। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा हूँ तो, बट आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये किस बड़े ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर अपॉइंट हुई है। विष्णु नारायण नंबूदरी हैज पास्ड अवे वॉज अ फेमस। विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध सिंगर, म्यूजिशियन, पोइट या राइटर, ये इनमें से क्या थे? तो ये एक पोइट थे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखें, ये एक पोइट थे। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई परिवहन प्रणाली शुरू की? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या बिहार? इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान स्टेट प्रिजन गॉट द टाइटल ऑफ नंबर वन प्रिजन इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। राजस्थान राज्य की जेल को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में नंबर वन जेल का खिताब मिला। दिल्ली स्टेट स्टार्टेड एन एम्बीसीएस कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सर्विस। राज्य ने एक महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा शुरू की, तो वो राज्य हमारा दिल्ली। हु बिकेम द न्यू ग्लोबल सीईओ ऑफ ओएलएक्स ऑटोज। ओएलएक्स ऑटो के नए वैश्विक सीईओ कौन बने? एनडी जैसी, गौतम ठाकर, मार्क लिस्तुसेला, कुणाल मुंद्रा। तो सबसे पहला ऑप्शन एनडी जैसी, आपको बताना है कि ये रिसेंटली अभी किस कंपनी के सीईओ बन गए हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को स्टेप डाउन किया है एज अ सीईओ और उनकी जगह पर ये आए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनडी जैसी किस ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी के सीईओ हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गौतम ठाकर। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला की लॉन्च बुक के लेखक कौन है? गुलाब कोठारी, कबीर बेदी, भरत कुमार, ए के राजन। तो ये चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भरत कुमार। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बुक की मैंने आपके लिए इमेज दी है, द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला एयर मार्शल भरत कुमार के द्वारा लिखी गई है। एक्स्ट्रा फैक्ट 7 की बात करें, इराकी गरीबिशविली हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जॉर्जिया। इराकी गरीबाबिशविली जो हैं वो जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। होशंगाबाद सिटी का फैक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय सम्पला हैज एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये भी मैं क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ,
कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन बने हैं विजय संपला। द इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी कंडक्टेड द पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स ऑन February 18, 2021 इन द अरेबियन सी। अरब सागर में भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना ने 18 फरवरी 2021 को पैसेक्स एक्सरसाइज का संचालन किया। एक्स्ट्रा फैक्ट 8 की बात करते हैं। द पंजाब कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन लाल लकीर एम्ड एट फैसिलिटेटिंग विलेजर्स टू मोनेटाइज प्रॉपर्टी राइट्स एंड अवेलिंग बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स इन ऑल विलेजेस अक्रॉस द स्टेट। पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य भर के सभी गांवों में सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकार और लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन कैबिनेट लाल लकीर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो लाल लकीर मिशन से आप याद रखें कि ये पंजाब का मिशन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड थिंकिंग डे ओरिजिनली नोन एज थिंकिंग डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 22 फरवरी। 22 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे बाय ऑल गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स एंड अदर गर्ल ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड। तो मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में माने जाने वाला विश्व सोच दिवस 22 फरवरी को दुनिया भर के सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य सामाजिक समूहों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ल्ड थिंकिंग डे किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 22 फरवरी। और लाल लकीर से आप याद रखें कि ये पंजाब राज्य से संबंधित है। तो ये था हमारा पार्ट 8 का सारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो धीरे धीरे हमारी वीडियोस में हम करते रहेंगे, और ये सभी क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लें और इनकी प्रैक्टिस करें। फिर हम मिलते हैं नए पार्ट में आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। All the very best for your studies and exams. Do subscribe to SSC Baba for more updates. Bye bye.